हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, नरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नरेशन की क्लास, और ये पहली क्लास है। ओके फ्रेंड्स, आप पूरा क्लास, आज के जितने भी क्लास होंगे नरेशन वाले, सारे के सारे क्लास देखना। तो उसके बाद आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट बाकी नहीं रहेगा नरेशन को लेकर, आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से नरेशन को समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं पहला क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच से लेकर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। जब हम डायरेक्ट से किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम टर्न करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे प्रोनाउंस चेंज, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बट हम आपको इस तरह से, इस वे में आपको पढ़ाने वाले हैं कि सारे के सारे वीडियो देखने के बाद आपको नरेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट बाकी नहीं रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ध्यान से देखना, पूरा अंत तक वीडियो देखना। ओके फ्रेंड्स, तो हम नरेशन शुरू करते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जब कि कोई पर्सन किसी भी बात को ज्यों का त्यों कह देता है, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि जैसा का तैसा कह देता है, जैसा उसने कहा उसी तरह से उसने भी कह दिया, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच में हम बात को ज्यों का त्यों नहीं कहते हैं। ओके, उसमें सामंजस्य स्थापित करके हम बोलते हैं। जैसे ही सेज आई एम नॉट सिंगर, वो कहता है कि मैं सिंगर नहीं। अब इसमें जो रूल्स है चेंज करने के, वो क्या क्या है? सबसे पहला रूल्स, आप रूल्स को नोट करते जाना। जो रूल्स अगर आप समझ गए अच्छी तरह से, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, पहला रूल्स, ही सेज, ये जो है ये रिपोर्टर है, इसको हम रिपोर्टर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आर वी। और ये जो पूरा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो भी सेंटेंस है, ये हो गए रिपोर्टेड स्पीच। ओके फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच, आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। जब हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि जैसे हम इसको हम चेंज करते हैं, ही से, सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह पे दैट लग जाएगा, दैट आई एम नॉट अ सिंगर। अब यहाँ से पर्सन चेंज करना ज़रूरी है, वो सीखना आपको। तो पर्सन चेंज करने के लिए मैं आपको नियम बता रहा हूँ, ये देखिए। इस नियम को मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको पर्सन चेंज करने में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पर्सन, जैसे ये एस क्या है, सब्जेक्ट है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन होगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जो इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टर, रिपोर्टर जो सब्जेक्ट कहलाता है, यहाँ पर रिपोर्टर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे के सेंटेंस में आएगा। अगर थर्ड पर्सन यहाँ पर है, तो नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, हम चेंज करते हुए आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ही सेज दैट आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही यहाँ पर लगेगा, ही इज, अब ही के साथ इज लगता है, तो ही इज नॉट अ सिंगर। ओके फ्रेंड्स, एक रूल्स और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब ए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यह याद रखना आप कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये जो इस तरफ आता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें अभी हम
प्रेजेंट टेंस में है, ये जितने भी वर्ब हैं यहाँ पर मैंने प्रेजेंट का ही लिखा है और फ्यूचर में लिखा है, इसमें टेंस चेंज नहीं करना है। टेंस चेंज करने वाला जो क्लास है मैं अगली वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको, इस वीडियो में अभी सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वाले रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको टेंस के बारे में सोचना नहीं है, टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सीता सेज टू मी, यहाँ पे मी होगा, सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है, यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। इसको अब अभी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले हैं। तो सीता, यहाँ पे सेज टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, जब भी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर से के बदले हम टेल लिखते हैं तो टेल्स हो जाएगा, सीता टेल्स मी। ध्यान रखना कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हो, जैसे सीता सेज टू मी, सेज टू हिम, सेज टू देम, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर से की जगह पर टेल हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर यहाँ पर मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमा वो हटा देंगे यहाँ पर और दैट लगाएंगे, दैट यू सिंग वेरी वेल। यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये है जो से टू मी, इसके बाद जो आता है ना से के बाद किससे बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, इसलिए मी का यहाँ पर आई हो जाएगा, मी दैट आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, सिंग वेरी वेल, आई सिंग वेरी वेल, सीता टेल्स मी दैट आई सिंग वेरी वेल, सीता कहती है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी ये फ्यूचर टेंस में है, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है, ये फ्यूचर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, चेंज होगा सिर्फ पर्सन। ही विल टेल मी, यहाँ पर से टू मी है, से टू मी है, जब भी ऐसा हो से टू मी, से टू हिम, तो यहाँ पर से के बदले में हम टेल लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ही टेल मी क्या कहेगा, दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम यहाँ पर दैट लगाते हैं। फिर उसके बाद माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो माई ब्रदर है, तो माई ब्रदर किसके लिए बोला जा रहा है, ही बोल रहा है, ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, वो मतलब अपने भाई के बारे में बोल रहा है, तो ही के हिसाब से हिज ब्रदर हो जाएगा यहाँ पर, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम पर्सन चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पर्सन चेंज, अगर आप पर्सन चेंज करने के बारे में समझ जाएंगे तो आधे काम हो जाएगी। उसके बाद टेंस, टेंस चेंज करना होता है, तो टेंस चेंज करना भी बहुत ईजी है, वो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप सारा वीडियो देखना, चार पांच वीडियो बनने वाला है, सारे वीडियो देखने के बाद आपको नरेशन में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने तीन सेंटेंसेज लिया और तीनों सेंटेंसेज को बनाकर देखा, उसका पर्सन चेंज करके देखा। फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, ये फर्स्ट जो सेंटेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, इतना आप ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, जब ये पास्ट में होता है तभी चेंज होता है इसका टेंस। अभी हम और भी सेंटेंसेस लेते हैं आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए। अभी हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस और लिखा है, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, SON 1 2 3। तो ये दो सेंटेंस हम और बना लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए और भी ज़्यादा सेंटेंसेस देंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, राम सेज टू मी, राम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, राम टेल्स मी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो टेल्स मी। ओके, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, फिर दैट लग जाएगा, दैट आई शैल हेल्प यू, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के लिए यानी थर्ड पर्सन हुआ तो ही लगाएंगे हम, ही विल, यहाँ पर यू है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये यू है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, ये होता है मी के हिसाब से, तो आई ही विल हेल्प मी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, राहुल विल से टू मी, राहुल मुझसे कहेगा, यू आर बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं,
Rahul will tell me. फिर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लगा देंगे. दैट यू आर बैड बॉय, यू सेकेंड पर्सन, ये किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट. तो यहां पर हिम है, हिम मतलब राहुल किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहा, नहीं कि थर्ड पर्सन से कह रहा, हिम है. तो यहां पर यू हिम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, ही इज बैड बॉय. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम पर्सन को चेंज करेंगे. बहुत इजी है, बस आपको इस फॉर्मूला को समझना अच्छी तरह से. एसओ एन सन और 123 यानी कि 123, ये फॉर्मूला को आपको समझ जाना है तो पर्सन चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. ओके फ्रेंड्स, ही सेज आई एम रेडी, ही सेज दैट ही इज रेडी. The children say we are ready. The children say that they are ready. He says to me, I am your friend. He tells me that he is my friend. Seema says, I am a poor girl. Seema says that she is a poor girl. Sita says to me, I love you. Sita tells me that she loves me. He will say to me, I am your friend. He will tell me that he is my friend. He says, I did not go there. He says that he did not go there. Sita says to me, I can help you. Sita tells me that she can help me. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आज का नरेशन का पहला जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा और पर्सन कैसे चेंज करते हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए. फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहां पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए. सारे वीडियो आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं. इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा.